देखो गाड़ी का टायर पंचर हो गया। आप जो भी बात करनी है प्रिंसिपल से कीजिए। हो गया कल्याण जेठालाल, अब तो बच्चों को एग्जाम में बैठने को ही नहीं मिलेगा। अरे ऐसे कैसे बैठने नहीं मिलेगा परीक्षा में है? अरे मैं बात करूंगा। ए टपुड़ा, किधर मिलेगा तेरा प्रिंसिपल? बापूजी आप प्रेरणा दीजिए, मेहता साहब है ना, वो जाके बात करेंगे। अरे मैं बात करता हूँ ना बापूजी, वो उधर अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी तो। मेहता साहब, ये जो आग लगी है अभी थोड़ा फायर ब्रिगेड बन के बुझाइए प्लीज। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, अब पता नहीं क्या होगा। प्लीज मेहता साहब, आपकी कोशिश कामयाब होगी, जाओ। टप्पू, कहाँ मिलेंगे प्रिंसिपल साहब? फिफ्थ फ्लोर। मैं ट्राई करता हूँ। प्रिंसिपल सर, आपसे कोई मिलने आया है? यस, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम तारक मेहता है। अच्छा, तो आप ही वो फेमस राइटर तारक मेहता है? थैंक यू सो मच सर, आप मुझे पहचानते? ऑफ कोर्स, आपके आर्टिकल मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चीज़ के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। कहिए कैसे आना हुआ? असल में मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी, उसके बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, वही बच्चे जिनके पेरेंट्स अभी तक आए नहीं है? एक्चुअली जी वही बच्चे, और उन्हीं के बारे में बात करने आया था कि वो सारे पेरेंट्स आ गए हैं। मिस्टर मेहता, मीटिंग खत्म हो गई है, आप लोगों ने आने में बड़ी देर कर दी। अब बात आपकी सही है सर, मैं उससे डिनाई नहीं करता हूँ, आने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन उसका हमारे पास जेन्युइन रीजन है। असल में जब हम आ रहे थे, वो जो जीप थी जिसमें हम सारे पेरेंट्स एक साथ आ रहे थे, तो वो उसका टायर पंक्चर हो गया, उसे बदलने में थोड़ा सा वक्त लग गया। और मैं जानता हूँ नियम नियम होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी गलती की सजा बच्चों को ना दे प्लीज, इसलिए अगर आप थोड़ा सा वक्त हमें दे दें और पेरेंट्स से मिल लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है चंदू जी, नीचे जो बच्चे और पेरेंट्स खड़े हैं सबको ऊपर भेज दो। जी सर। थैंक यू सो मच सर, आई एम ऑब्लाइज्ड। आप लोगों को प्रिंसिपल साहब ने क्लास में बुलाया है। It's okay. 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 Sorry. Come. Aye, ready. उधर से आ जाना, पर इधर है जगह। Good morning. Thank you. सब लोग आ गए प्रिंसिपल साहब। ओके, आज हमने पेरेंट्स मीटिंग इसलिए बुलाई है ताकि आपके बच्चे के प्रोग्रेस, उनके प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स, उस सब की चर्चा हम पर्सनली आपसे करें। लेकिन आप लोगों ने आने में इतनी देर लगा दी, तो अभी सभी के साथ एक साथ ही बात करेंगे। ओके चलेगा चलेगा, हम एक ही सोसाइटी के। हां जी, गोकुलधाम सोसाइटी में। तो पहले गोगी की बात करते हैं। ओके। अजी मेरे गोगी पुत्र में तो सारे प्लस पॉइंट ही होंगे जी, फिर भी कोई शरारत करता तो बताओ जी। शरारतें तो करता है, लेकिन उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत अच्छा है। हाँ, पर ये सवाल बहुत पूछता है। अजी सवाल पूछना तो अच्छी बात है, सवाल पूछेगा तभी तो इंटेलिजेंट बनेगा ना। हाँ हाँ, ये अच्छी बात है, पर ये पढ़ाई के अलावा बिना मतलब के सवाल ज्यादा पूछता है। हाँ, परसों हम इन्हें सिखा रहे थे कि मुर्गी का बच्चा अंडे से कैसे निकल रहा है, तो ये हमें पूछता है कि मुर्गी का बच्चा अंडे में जाता कैसे है। गोगी, पहले सवाल समझने का फिर सवाल पूछने का, समझा? मम्मी कुछ समझ में नहीं आता इसलिए तो पूछता हूँ। वैसे उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा है, लेकिन मैथ्स में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अजी हमारे गोकुलधाम के शिक्षक महोदय है ना भिड़े जी,
और ये इसका गणित एकदम परफेक्ट कर देंगे जी। अभी गोली। हाँ गोली, तुम्हारे पापा नहीं आए? वो पुणे गए हैं कुछ काम से। देखिए मैडम, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बहुत अच्छा है। गुड। और वो ड्राइंग भी अच्छी बना लेता है। मैं ही सिखाती हूँ ड्राइंग। हाँ पर ये ड्राइंग में ज्यादातर खाने के चित्र बनाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसको खाना बहुत पसंद है ना, उसलिए। देखिए उसका हिस्ट्री बहुत कमजोर है, खास करके उसे अंग्रेजों के नाम याद ही नहीं रहते। गोली, व्हाट इज दिस? ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे मम्मी मैं क्या करूँ, अंग्रेजों के नाम ही ऐसे, लॉर्ड हेनरी, लॉर्ड चार्ल्स, लॉर्ड फ्रांसिस, बहुत कंफ्यूजन होते हैं, सब एक के एक ही लगते हैं। और कुछ नाम तो ऐसा है कि नाम के बाद नंबर आते हैं, जैसे कि किंग एलिजाबेथ। वन टू थ्री। किंग एलिजाबेथ नहीं बेटा, क्वीन एलिजाबेथ। देखा मम्मी, नहीं याद रहता है। और ऊपर से उसके डेड रेट और बर्थ रेट भी याद रखो। अभी कौन से किंग ने कौन से साल में क्या काम किया कैसे याद रखे? मम्मी हमारे राजाओं के नाम देखो कितने अलग अलग है, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप। नो नंबर्स, कुछ कंफ्यूजन ही नहीं होती है। बराबर है गोली, मैं भी ऐसा नामों में बहुत फंसता था स्कूल में, लेकिन याद तो करना ही पड़ता है बेटा। हाँ देखिए कोमल जी, सब मैं गोली की हिस्ट्री अच्छी तरह से करवा लूंगी। वैसे उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट ओवरऑल तो काफी अच्छा है। नेक्स्ट इज पिंको। पिंको तुम्हारे साथ कौन है? जी नमस्ते, मैं अंजलि मेहता, आज मैं पिंको की गार्डियन बन के आई हूँ। माय वाइफ सर। हाँ पिंको वैसे तो काफी होशियार है, क्लास में ध्यान भी देता है, थोड़ा ग्रामर उसका वीक है। तो पिंको बेटा ग्रामर पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? थैंक यू सो मच। ये टप्पू का नाम ही नहीं ले रहे, अब तो सबसे आखिरी में बैंड बजाएंगे हमारे। आएगा आएगा, नंबर आएगा, टप्पू का भी नंबर आएगा। नेक्स्ट है टिपेंद्र। यस सर। देखिए प्रिंसिपल साहब, ये टप्पू ने जो भी शरारत की है उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है, उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं, उसे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे लेकिन माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। टप्पू ने ऐसा क्या किया कि हम लोग माफी मांगने के भी लायक नहीं है? टप्पू ऐसा क्या किया तूने? अरे अरे आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? अरे टिपेंद्र का प्रोग्रेस रिपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है। क्लास में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस तो टिपेंद्र ने किया है। हर एक सब्जेक्ट में उसका प्रोग्रेस हुआ है। ओहो क्या बात है टप्पू। यहाँ गरबानी, यहाँ गरबानी। और कोई कंप्लेंट? अरे जेठालाल कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, वो टप्पू की तारीफ कर रहे हैं, आदत डाली है कानों को। तारीफ पे तारीफ हो रही है। लेकिन क्या कभी टप्पू की तारीफ सुनी नहीं ना, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है। अरे तो विश्वास कर, जब देखो तब टप्पू को डांटता रहता है। आप लोग मानोगे नहीं लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है कि हमारे खानदान में अगर सुंदर से ज्यादा कोई होशियार है तो टप्पू ही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपका बेटा प्रैक्टिकल है बहुत। व्यवहारिक। हाँ। कल मैं उसकी क्लास में गया था, मैंने पूछा
कि अगर लोखंड को खुली हवा में रखे तो क्या होगा उसका? तो उसने तुरंत बोला कि जंग लग जाएगी। फिर मैंने पूछा कि अगर सोने को खुली हवा में रखे तो क्या होगा? तो टप्पू क्या बोला? अरे चोरी हो जाएगा। वेरी गुड। अरे वाह, शाबाश बेटा, शाबाश। प्रिंसिपल साहब क्या है, क्या टप्पू एक व्यापारी का बेटा, वो भी कच्ची व्यापारी का बेटा, तो पढ़ाई करे ना करे, या व्यवहार ज्ञान तो उसके खून में है। दूसरा क्या है, ये दुकान में हमारे धंधे में पढ़ाई से ज्यादा व्यवहार ज्ञान ही काम में आता है। तो फिर पढ़ाते क्यों, अभी से दुकान पे बिठा दो। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जमाना वैसे भी कितना बदल रहा है, बच्चों पे अपने विचार मत थोपिए, उनको जिस विषय में रुचि हो उसी में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दीजिए, समझे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने प्रिंसिपल साहब। सॉरी सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपके बेटे टिपेंद्र का प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत ही अच्छा है। कीप इट अप टिपेंद्र। थैंक यू सर। अब नेक्स्ट है सोनू। हाँ बताइए सर। भिड़े जी, सोनू क्लास की सबसे होनहार लड़की है, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। लेकिन इस बार मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सोनू का प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत ही वीक है। सोनू को तो हमेशा सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं ना? मुझे लगता है सोनू का कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है। सारे बच्चों ने प्रोग्रेस किया है एक्सेप्ट सोनू। देखिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा वरना हमारे स्कूल की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट बनकर रह जाएगी। ओके बच्चों, चलो तो एग्जाम आ रही है, बड़े ध्यान से पढ़ना। ओके चलिए, थैंक यू। सॉरी बाबा। अरे भिड़े सुनो तो, सुनो। अरे रुक ना यार। अरे अरे रुक, बात तो सुनो भिड़े। अरे भिड़े भाई, ओ भिड़े भाई। माधी सोनू चला। ओ भिड़े कितने जा रहे हैं? वो साथ में चल रहे हैं ना? माधवी चल लौकर गोकुल धाम सोसाइटी। माधविक सर, दया मैं दुकान जा रहा हूं। अंजलि मैं भी यहीं से ऑफिस निकलता हूँ। जी चलो बेटा, चलो आओ जी, चलें। चलो बच्चों। सोनू ये काय केलस तू, ये क्या सुन के आ रहा हूं मैं? देखिए अब जरा शांत हो जाइए ना। क्या शांत हो जाइए माधवी, और कैसे शांत रहूं? देखिए मुझे पता है कि हमेशा की तरह इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा नहीं है, पर मैं सोनू को समझा दूंगी। लेकिन आप थोड़ा समझने की कोशिश। अरे मैं, मुझे क्या समझना है माधवी, मुझे क्या समझना है?
एक शिक्षा की बता को तुम नहीं समझोगी माधवी। मैं सबको पढ़ाता हूँ और मेरी बेटी के लिए मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ा। लेकिन पापा मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं? स्कूल में पूरी सोसाइटी वालों के सामने मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा, उसके बाद क्या सुनूं मैं? ठीक है ना? मम्मी मैं सोनू के घर जाके आता हूँ। भीड़ अंकल बहुत गुस्से में तो सोनू को डांट रहे होंगे। ठीक है बेटा चलो। पप्पू तू जा, हम लोग तेरी वेट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ ये ले मेरी बैग। आज तुम्हारी वजह से मेरी गर्दन झुक गई है सोनू। माधवी मैं हमेशा जेठालाल को बोलता था तुम्हारे टप्पू को सुधारो, उसकी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरी सोनू को देखो कितनी होशियार है, कितना पढ़ाई में ध्यान है उसका, ये ध्यान है उसका। अब जेठालाल को पूरी सोसाइटी वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? बाबा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अभी भी कुछ कहना बाकी है सोनू? तुम्हारे बारे में जो कुछ कहना था स्कूल में सारे टीचर्स कह चुके। भीड़े अंकल। क्या है टप्पू? वो सोनू से बात करनी थी। कोई जरूरत नहीं बात करने की, तुम भी घर जाओ। लेकिन भीड़े अंकल। टप्पू यहाँ से चले जाओ। ठीक है। देखो इस टप्पू को, इसके बारे में स्कूल में टीचर्स ने क्या कहा सुना ना तुमने? माधवी जिसका रिपोर्ट अच्छा नहीं आना चाहिए था उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट इतना अच्छा आया, और जिसका अच्छा आना चाहिए था उसका इतना वीक। बस कीजिए। नहीं नहीं खरज है माधवी, बस मतलब सब बस, बहुत हो गया तुम्हारा खेलना कूदना बंद। अभी फाइनल एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और इस एग्जाम में मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, मतलब चाहिए। कल्ला हो जाओ, अभी पढ़ाई करने बैठो, मेरे क्लास का वक्त हो गया। बाबा दो मिनट में नीचे जाके आऊ। क्यों? टप्पू सेना से मिलने जाना है? नहीं मेरी नोटबुक खत्म हो गई है, नई नोटबुक लेने जाना है। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना, और हाँ खबरदार जो नीचे टाइम पास किया तो। कल्ला हो देखिए आप। भीड़े अंकल का तो मूड बहुत खराब है, सोनू बहुत परेशान होगी ना। और टप्पू हम सब जाके भीड़े अंकल को समझाते हैं ना। क्या गोगी कुछ ही बोलता है। अरे गोगी मैं भी वहीं पर गया था लेकिन भीड़े अंकल ने भी मुझे वहां से निकाल दिया। ए सोनू तू यहां पर? वो नोटबुक खत्म हो गई थी इसीलिए नोटबुक लेने जा रहे हो। भीड़े अंकल ने तुझे डांटा क्या? हाँ आज बाबा से मुझे बहुत डांट पड़ी। डोंट वरी सोनू तू फिकर मत कर, अगर भीड़े अंकल तुझे गुस्सा करे तो भी तू बुरा मत लगाना। ओके हाँ। ओके फ्रेंड्स एग्जाम नजदीक आ रही है ना तो मैं खूब मन लगा कर पढ़ूंगी और बाबा को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। वेरी गुड सोनू। ये हुई ना बात सोनू, तू बेस्ट है और बेस्ट ही रहेगी। कभी कभी तेंदुलकर भी कम रन में आउट होता है ना, पर सेंचुरी सबसे ज्यादा वो ही मारता है। करेक्ट, देखना तू फाइनल एग्जाम में सेंचुरी तू ही मारेगी। मतलब सोनू तू एग्जाम में क्रिकेट खेलेगी? मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा था। हाँ वही सोनू मुझे एक बात बता, तू कौन से सब्जेक्ट में फेल हुई है? अरे क्या गोगी तू कैसी बात कर रहा है, सोनू कभी फेल नहीं होती। तू उसे भीड़े अंकल क्यों डांट रहे है? अरे गोगी उसे कम मार्क्स आए ना इसलिए। हाँ ओए तेरे इस पे क्या डांटने का, अरे मेरे पापा तो जब मैं फेल होता ना जब ही डांटते हैं। फ्रेंड्स अब मैं जाती हूँ, अगर देर हो गई तो बाबा मुझे फिर से डांटेंगे। ओके सोनू बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर स्टडी। थैंक यू टप्पू। बाय बाय। सोनू बताओ तुम्हारा अब तक का कितना पोर्शन कंप्लीट हुआ है? मैथ्स का फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट हो गया? नहीं अभी तक नहीं हुआ।
नहीं, वो थोड़ी डिफिकल्टी थी। तो पूछना चाहिए ना मुझे। मैं पूछने आई थी, लेकिन आपने कहा कि आप बाद में सिखाओगे। सोनू, ये सब तुम्हारे बहाने हैं। अगर मन में कोई चीज सीखने की इच्छा हो ना, तो कोई रुकावट नहीं आती। अरे दृढ़ निश्चय करने वाले मुसाफिर को रास्ते में अगर हिमालय भी आ जाए तो वो भी नहीं नड़ता। अच्छा ये बताओ कि इंग्लिश ग्रामर हो गया? नहीं, थोड़ा बाकी है। सोशल साइंस? वो हो जाएगा। हिस्ट्री सिविक्स? वो मैं कर लूंगी। सोनू काय चल रहे है, तुम कब से ऐसे हो गई? हो जाएगा, कर लूंगी, बाकी है। हाँ, अरे तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में है कि नहीं? एग्जाम सर पर है, पूरा ध्यान पढ़ाई में दो। ओ बाबा, अभी यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करो, कल सुबह होते मैं तुम्हारा रिवीजन लेने वाला हूँ, समझी? ठीक है। मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सोनू का प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत ही वीक है। मुझे लगता है सोनू का सारे बच्चों ने प्रोग्रेस किया है एक्सेप्ट सोनू। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना हमारे स्कूल के ब्रिलियंट स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट बनके रह जाएंगे। हो गई सोनू की पढ़ाई? कहाँ हुई अभी तक? अभी भी सारे सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा बाकी ही है। आप चिंता मत कीजिए, सोनू कर लेगी। क्या कर लेगी माधवी? उस पर भरोसा करके नतीजा देख लिया ना हमने। छोड़िए ना, सब अच्छा हो जाएगा। हा? अरे हाँ, आप सोडा पीने नहीं जा रहे आज? नहीं। क्यों? कैसे जाऊं माधवी, वहां पर जाकर सबके साथ नजरें मिला पाऊंगा मैं? क्यों, हमने कोई चोरी की है? कोई गलत काम किया है? तो आपको इतनी शर्मिंदगी महसूस क्यों हो रही है? और आखिर कब तक आप सबसे नजरें नहीं मिलाएंगे? एक ना एक दिन तो सबके सामने जाना ही है ना। माना जो हुआ उसके हमने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। अभी फाइनल एग्जाम बाकी है, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए और देखना, इस बार हमारी सोनू फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होगी। तो जा रहे हो ना? वैसे माधवी की बात सही है, मैं क्यों डरूं? और अभी फाइनल एग्जाम तो बाकी है, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। शिक्षक महोदय, क्या जा रहे हो घर छोड़ के रत्नागिरी? सोडा पीने जा रहा हूँ जेठालाल। 10:30 बजे ये टाइम पर तो तुम सो जाते हो, क्या हुआ तुम्हारी शिस्त का? और छाड़ना जेठा परा, काय की शिक्षक की शिस्त? और देखा नहीं आज स्कूल में क्या हुआ? हाँ ओ भिड़े, आज मैंने तेरे स्कूल का प्रकरण सुना, तू एक काम कर, बच्चों को ट्यूशन देना ही कैंसिल कर दे। आज तेरी वजह से टप्पू सेना की नाक कट गई है। बराबर है। अरे पोपट लाल पर इन्हें क्या फर्क पड़ता है, हमेशा डिसिप्लिन का झंडा लेके घूमते हो भिड़े, कभी अपने घर में भी जाग के देख लिया करो। नहीं नहीं मत सर, इनको अपने घर में झांकने की फुर्सत ही नहीं है, ये तो दूसरों के घर में जाके दूसरों की बच्चों की शिकायत करते हैं। क्या कह रहे थे टप्पू के बारे में? टप्पू का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, वो बस शरारती करता है, अगर ध्यान नहीं दिया तो फेल हो जाएगा। अभी ये सब वाक्य में टप्पू की जगह पे सोनू को फिट कर दे। बोल बोल बिल्ली मास्टर, अब चुप क्यों हो गया? जब देखो तब शब्दों के बाण लेकर मेरे टप्पू के पीछे पड़ा रहता है, अब जवाब दे। अरे ये क्या जवाब देंगे चाचा जी? अरे भिड़े साहब, ये तो वही हुआ कि दिया तले अंधेरा,
बड़े शिक्षक बने घूमते आप, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। ओ भिड़े, शिक्षकों की कौम पर तू कलंक है, कलंक। अपनी सोनू की पढ़ाई पे ध्यान दे वरना सोनू फेल हो जाएगी। तो शर्म कर यार, सोनू फेल हो जाएगी भिड़े। दूसरों के बच्चे को ट्यूशन देने का बंद कर। आप मत जाइए नीचे, सो जाइए शांति से। हाँ फाफड़ा खत्म हो गए, अभी तो ला चाय। क्या वो बेटा क्या ढूंढ रहा है? पापा मेरी बुक नहीं मिल रही है। बोलो, कल टीचर ने तारीफ की और आज बुक गायब। अरे पापा ऐसी बात नहीं है, मैं यहीं पर पढ़ रहा था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। टप्पू देख बेटा, तेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा है, इसका मतलब यह नहीं कि तू हवा में उड़ने लगे। फाइनल एग्जाम का रिजल्ट भी एकदम अच्छा आना चाहिए। पापा आप चिंता मत कीजिए, मेरी पढ़ाई एकदम अच्छे से हो रही है। अरे सुन टप्पू, इधर आ। हाँ पापा। हाँ पापा। वो सोनू से कुछ बात हुई? वो भिड़े अंकल का माथा शांत हुआ कि अभी भी गुस्से में? सोनू कह रही थी भिड़े अंकल उसे बहुत डांटा। ये भीड़ अंकल बहुत बुरे हैं। नहीं बेटा बुरे नहीं है, देखो किसी भी बच्चे का मार्क कम आते हैं या बुरे आते हैं ना तो माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है। ऊपर से है तो शिक्षक की बेटी, तो सोचो भीड़ अंकल को कितना बुरा लग रहा होगा है? कि दूसरों के बच्चे जिनको वो ट्यूशन देते हैं उनके मार्क अच्छे और उनकी खुद की बेटी के मार्क बुरे। हाँ बराबर, लेकिन पापा डांटने से थोड़ी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अगर ऐसा होता तो मैं हर साल फर्स्ट आता। आप तो मुझे कितना डांटते रहते हो। डोट डाया, बुक मिल गई ना? हाँ। जा जाके पढ़ाई कर। टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ कि आप जाके जरा भीड़े भाई को समझाइए ना। अरे नहीं भाई, अभी मैं उसके सामने गया तो वो सोचेगा जैसे वो मुझे टप्पू को लेकर सुनाता है वैसे इस बार मैं सोनू को लेकर उसे सुनाने गया हूँ, और फिर मेरा गुस्सा बिचारी सोनू पे उतारेगा, उसे और ज्यादा डांटेगा तो बिचारी सोनू की पढ़ाई और बिगड़ जाएगी। नहीं नहीं बाबा, तो तू जाना ही मत। दो अच्छा सुन, फाफड़ा है। हाँ है ना? है? तो ला। नहीं ला सकते। क्यों? वो तो गए। कहाँ? अब तो देख में। तो बच्चों आज हमने जो कुछ भी सीखा वो कल याद करके आना, ठीक है? ठीक है। वेरी गुड, चलो एक बार फिर से बोलते हैं। 5 + 5 = 10। वेरी गुड। 6। एक्सक्यूज मी सर। अरे आप इस वक्त? मैं आपसे ये कहने आई थी, देखिए ना इसे इस बार ड्राइंग में कितने कम मार्क्स मिले। हाँ लेकिन मैं इसको ड्राइंग कहाँ पढ़ाता हूँ,
मैं तो इसको मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाता हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन इसके ड्राइंग के सर कहते हैं एक बात का असर दूसरी बात पर होता है। इसे मैथ्स में कम मार्क्स मिले इसका असर इसके ड्राइंग पे हुआ। तो फिर इसके ड्राइंग के सर को ही कहिए ना कि इसको ड्राइंग के साथ साथ मैथ्स और इंग्लिश भी पढ़ाए। अरे आप तो बुरा मान गए, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप चाहे तो इसे पूरा दिन यहाँ पर बिठा के रखिए। अरे आप इसकी एक्स्ट्रा क्लास लीजिए, लेकिन इसके मैथ्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर इसका मैथ्स अच्छा हो गया ना तो दूसरे सारे सब्जेक्ट्स में अपने आप अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप क्या कह रही है मैडम, ऐसा थोड़ी होता है। सबसे पहली बात, मैं इसको यहाँ पर बिठा कर नहीं रह सकता। यहाँ पर और भी बच्चे आते हैं ट्यूशन में पढ़ने के लिए, और बच्चों को पढ़ाना सिर्फ एक ट्यूशन टीचर की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स का कोई फर्ज नहीं है। तो बच्चा स्कूल में क्या पढ़ता है, ट्यूशन क्लास में क्या पढ़ता है, कौन से विषय में वो सबसे ज्यादा कमजोर है, कौन से विषय में उसको सबसे ज्यादा रुचि है, ये सब देखने की जिम्मेदारी माँ बाप की भी होती है। लेकिन नहीं, माँ बाप को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है, लेकिन बच्चों से उम्मीद जरूर करनी है कि वो सबसे ज्यादा मार्क्स लाए। देखिए मैं यश को अच्छे से पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आप भी उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए ना, क्योंकि बच्चा स्कूल और क्लास से ज्यादा अपने माँ बाप के साथ रहता है। आप समझी मेरी बात को? जी मैं समझ गई। ठीक है तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कमाल है। तो चलो बच्चों, कल मिलते हैं वापस। हाँ रिवीजन करके आना, ओके? चलो चलो चलो। पता नहीं कब समझेंगे। ट्यूशन में छोड़ दिया तो अपनी जिम्मेदारी खत्म। अरे अपने बच्चों के प्रति अपना भी कोई फर्ज होता है, ये माँ बाप भूल क्यों जाते हैं? बच्चों को पढ़ाना सिर्फ एक ट्यूशन टीचर की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स का कोई फर्ज नहीं है। लेकिन इस बार मुझे कहते हुए बार दुख हो रहा है कि सोनू का प्रोग्रेस रिपोर्ट का प्रोग्रेस रिपोर्ट ठीक है। बच्चा स्कूल में क्या पढ़ता है, ट्यूशन क्लास में क्या पढ़ता है, कौन से विषय में सबसे ज्यादा कमजोर है, ये सब देखने की जिम्मेदारी माँ की होती है। लेकिन बाबू मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो, क्या सुनो, आज तुम्हारी वजह से मेरी गर्दन झुक गई है। सुनो, मेरी गर्दन झुक गई है। सुनो, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बच्चों से उम्मीद जरूर करनी है कि वो सबसे ज्यादा मार्क्स लाए। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना हमारे स्कूल के ब्रिलियंट स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट बनके रह जाएंगे। आप भी उसी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चा स्कूल और क्लास से ज्यादा अपने माँ बाप के साथ रहता है, अपने माँ बाप के साथ रहता है, अपने माँ बाप के साथ रहता है। अरे अपने बच्चों के प्रति अपना भी कोई फर्ज होता है, अपना भी कोई माँ बाप भूल क्यों जाते, माँ बाप भूल क्यों जाते। अरे अपने बच्चों के प्रति अपना भी कोई फर्ज होता है, अपना भी कोई माँ बाप भूल क्यों जाते, माँ बाप भूल क्यों जाते। अरे अपने बच्चों के प्रति अपना भी कोई फर्ज होता है, अपना भी कोई माँ बाप भूल क्यों जाते, माँ बाप भूल क्यों जाते, माँ बाप भूल क्यों जाते, माँ बाप भूल क्यों जाते। ला 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 ला। भाई ये सूखे पापड़ नाश्ते की कोई नई डिश है क्या? सैलेड तक तो ठीक था, ये बिना तले हुए बिना सिके हुए पापड़ खाने पड़ेंगे क्या अब? मैंने माधवी भाभी से स्पेशल ऑर्डर देके बनवाए थे डाइट पापड़, अब भी देके गई। हे भगवान, पापड़ भी डाइट। माधवी भाभी की बात से याद आया, कितना टेंशन हुआ होगा ना सोनू की वजह से। समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया। हाँ हो गया तो हो गया अंजलि, अब क्या करें। अरे मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। हाँ अफसोस तो मुझे भी बहुत हो रहा है अंजलि। अरे पर माधवी भाभी और भीड़े भाई ने कितनी मेहनत की थी। हाँ एक्चुअली मेहनत तो की थी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मेहनत करेंगे, इसमें क्या है। और गलती तो सबसे हो ही जाती है ना। गलती हमेशा सबसे होती है माना, पर परफेक्ट इंसान से गलती हो तब माँ बाप पे क्या बीतती है। माँ बाप पर? अंजलि तुम ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हो, इतनी जरा सी बात में माँ बाप क्या क्या। अंजलि पापड़ में पानी गिर गया, उसमें माँ बाप बीच में कहाँ से आ गए। हैं? हे भगवान। हाय राम, ये आपने क्या किया, मेरे पापड़ पे पानी गिरा दिया। गिरा नहीं दिया अंजलि, गिर गया। ग्रामर ठीक करो प्लीज। गिर गया मतलब हाथ से फिसल गया पानी, तो सॉरी बोल रहा हूँ ना, हो गया सॉरी सॉरी। और वैसे आप कब से ये पापड़ की बात कर रहे थे। हाँ और क्या। ओ
और तुम सोनू के टेंशन की बात कर रही थी। हाँ। नहीं भगवान, नहीं नहीं नहीं, वो बात तो बिल्कुल सही है अंजलि। सोनू हमेशा स्कूल में इतनी तारीफ पाती थी और भिड़े को इस बार सोनू की शिकायत सुननी पड़ी तो बुरा तो लगना ही था। और ये शिकायत तो भिड़े भाई के पैरों तले जमीन खिसक जाए उतनी शॉकिंग थी। लेकिन इतनी चिंता की बात नहीं अंजलि, मुझे सोनू पे पूरा यकीन है, वो बहुत होनहार लड़की है। जरा सी प्रोग्रेस रिपोर्ट ही तो वीक आई है, वो फिर से मेहनत करेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में नंबर वन ही आएगी। हाँ आपकी ये बात तो सही है, लेकिन चिंता मुझे भिड़े की है, जब तक सोनू नहीं करती तब तक भिड़े बहुत बेचैन रहेगा। अहो अहो क्या सोच रहे हो? हमेशा दूसरों को सिखाने वाला मैं खुद ये कैसे भूल गया कि बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं। असल में सोनू की प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं। इस बार मैंने सोनू की पढ़ाई पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। माधवी, माधवी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं सोनू को सॉरी बोलना चाहता हूँ। कहाँ है सोनू? अपने कमरे में? नहीं, वो अपने कमरे में नहीं है, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। तो फिर कहाँ गई? मुझे नहीं पता, आपको बता कर नहीं गई वो? नहीं। कमाल है, मैं अभी नीचे से आई तो कंपाउंड में भी नहीं थी, शायद टप्पू के घर गई हो। अरे टप्पू, टप्पू बेटा, टप्पू। हाँ भीड़ अंकल। सुनू है घर पे? नहीं नहीं। रोशन भाभी, रोशन भाभी। सूट है भीड़े भाई? सुनू आई है घर पे? नहीं, सुनू तो नहीं है, सूट है। कोमल है? अब कोमल भाभी, कोमल भाभी, कोमल भाभी। हाँ भिड़े भाई। सोनू है घर पे? नहीं तो वो गई कहाँ? पिंकू। अरे पिंकू, ओ पिंकू बेटा। क्या हुआ भिड़े अंकल? अरे तुम्हारे घर पे सोनू आई है? नहीं भिड़े अंकल। कमल ने गिली कुटे ही भूल गई। माधवी, माधवी कहाँ है वो? कहाँ है? अरे सोनू कहीं भी नहीं है, किसी के भी घर पे नहीं है सोनू। गेली कुठे? ए अब्दुल। हाँ बेटे भाई। तूने सोनू को बाहर जाते हुए देखा? नहीं तो। एक काम करना, जरा गार्ड में देख, शायद वहां पड़ रही होगी। हाँ अब्दुल जाके देख यार जल्दी। हाँ देखता हूँ। अरे देवा, ये कहाँ गई होगी? आओ चलो नीचे जाके देखते हम लोग। हाँ चलो। ओ पिनो मैं भी आता हूँ यार। चल रोशन नीचे चल, चल चल जल्दी। पापा सोनू कहीं चली गई है, भीड़ अंकल और माधवी आंटी उसे ढूंढ रहे, मैं नीचे जाता हूँ। जी कहीं भीड़े भाई की डांट की वो जिससे तो सोनू घर छोड़कर नहीं चली गई। अरे खाक खुद में बोलती रहती है, चल चल हम भी नीचे जाते हैं। हाँ। अब उसको आगे पता नहीं, वो देख रहा है गार्डन में चलती। अब्दुल क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अब्दुल क्या हुआ भाई? सुनू है गार्डन में? नहीं भिड़े भाई, सुनू यहाँ पर नहीं है। अरे देवा। अरे भिड़े क्या हुआ? चाचा जी सोनू को ढूंढ रहे, वो कब से मिल ही नहीं रही है। अरे गेली कुटे ही भूल गई। क्या हुआ? अरे इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो भाई, क्या हो गया? मेहता साहब सोनू कब से कहीं नजर ही नहीं आ रही है। नजर नहीं आ रही है मतलब? माधवी भाभी वो अपने कोई फ्रेंड क्या करता नहीं गई? नहीं वो जाती है लेकिन हमेशा बता कर जाती है। हाँ वो बिना बताए कभी कहीं नहीं जाती। भाई इसमें आपकी गलती है, आपने सोनू को डांटा इसलिए वो नाराज होकर चली गई। मैंने उसे नहीं डांटा दया भाभी। अरे क्या
का नहीं डांटा, टप्पू मुझे बता रहा था तुमने सोनू को बहुत डांटा। गलत बात भाई, तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षक हो, बच्चों को इतना डांटते हैं कि वो घर छोड़ दे। अरे एक प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या कमजोर है, इसका मतलब तुम इस तरह से डांटोगे? नहीं, गलत बात है पिड़ू। ओ यार पिड़ू, अपनी सोसाइटी में सबसे समझदार बच्ची अपनी सोनू है, कभी कोई शरारत नहीं करती, और तूने उसको डांट कर घर से बाहर निकाल दिया। गलत है भिड़े, बहुत गलत है, निर्दयी है तू, निर्दयी। कोई प्यारी सी छोटी सी बच्ची को इस तरह से घर से निकालता है? हाँ। बोलो। अरे मैंने उसे घर से नहीं निकाला, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा नहीं आया था, इसलिए थोड़ा सा डांटा जरूर था। हाँ, सुधरोगे नहीं ना तुम लोग, बच्चों की पढ़ाई के नाम पे उन्हें इतना टॉर्चर करते हो, इतना टॉर्चर करते हो कि उनको घर छोड़ के चले जाना पड़ता है। पढ़ते नहीं हो आजकल अखबार में किस तरह के किस्से छप रहे हैं, माँ बाप की गलती की वजह से बच्चों की मानसिकता पर किस तरह का असर पड़ता है। हाँ ये भिड़े, आजकल के बच्चे बहुत भावुक होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। हा? अरे देवा भिड़े, मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारा ये जो डिसिप्लिन का तानपुरा है ना, उसे पेटी में पैक करके मालिये पे चढ़ा दो। हाँ। और कसम खा लो कि आज के बाद डिसिप्लिन का गाना नहीं गाओगे। पोपट, ये सब डिस्कशन बाद में कर लेंगे, अभी मसला ये है कि सोनू कहाँ है। हाँ। टप्पू एक मिनट, तुम लोगों ने गोगी को किडनैप करने का जो ड्रामा किया था, कहीं वैसे ही सोनू को छुपाया तो नहीं है? बताओ। हाँ। नहीं नहीं मैं तंदल, दादाजी ने उस दिन जो मैं मुर्गा बनाकर सबक सिखाया था वो हम लोग अभी तक भूले नहीं है। अरे एक मिनट, ये सब बातें हम बाद में कर सकते हैं, अभी सोनू को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ चलो पापा, हम सब भी आपके साथ आते हैं। अरे नहीं टप्पू बेटा, तुम सब बच्चे घर पे जाके पढ़ाई करो, एग्जाम नजदीक आ रही है ना, सोनू को हम लोग ढूंढेंगे। हाँ लेकिन भिड़े अंकल। टप्पू भिड़े अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, तुम लोगों के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, पढ़ाई करो जाके। हाँ लेकिन पढ़ाई शुरू करने के पहले सोनू के सारे फ्रेंड्स के यहाँ फोन करके पूछ लो सोनू उनके यहाँ तो नहीं गई है, और हम लोगों को बताओ। ठीक है? ओके मैं अंकल, कम ऑन फ्रेंड्स। सोडी भिड़े, तुम और पोपट तुम लोग यहाँ पे नीचे देखो बाहर आस पास, अब्दुल तुम आओ, मैं जेठा अब्दुल टेरेस पे चलते हैं, वहाँ देख। चालू हो जा, चल ना यार पिड़ू, तेरे बस की बात नहीं, हट। अच्छा बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। पीछे संभल के, संभल के, बैक बैक। हां गाड़ी में पेट्रोल। हां अरे आराम से संभल के, संभल के, संभल के। सोनू, सोनू बेटे। हेलो शिवानी, सोनू तेरे घर पे आई है क्या? नहीं आई है। सोनू देखना अब्दुल, ध्यान से देख यार। हाँ सोनू, अरे सोनू, सोनू, हाँ सोनू, सोनू नहीं है यहाँ पर भी। हेलो सोनू, सोनू पता नहीं सोनू कहाँ चली गई है, टप्पू मानसी को फोन करके देखना। हेलो मानसी, टप्पू बोल रहा हूँ, सोनू वहां पर आई है क्या? क्या नहीं आई है? सोनू आज नहीं गई यार अभी। सोनू हाँ चली गई है लड़की। हेलो प्रियल, सोनू वहां पर आई है क्या? ये देखो। अरे मिल गई सोनू, मिल गई सोनू, मिल गई, मिल गई। सोनू नहीं, ये सामान देखो, अपने सोसाइटी वाले भी अजीब है। टेरेस का गोडाउन समझते हैं, ये देखो सारा कचरा इधर फेंक दिया। क्या बोले जेठालाल, हर सोसाइटी की एक ही कहानी है दोस्त, खुद के फ्लैट को फ्लैट समझेंगे, बाकी कहीं भी कुछ भी डाल दिया, सिविक सेंस तो है ही नहीं ना। हाँ कुछ भी फेंक देंगे कहीं पे भी। और क्या क्या और क्या। अरे भाई तू और भिड़ा तो अक्सर आते रहते हैं टेरेस पे, तो जिसका सामान है उसको बोलना चाहिए ना भाई हटाने के लिए। अभी बोल दू? नहीं अभी तो सोनू को ढूंढना है भाई, चलो। नहीं नहीं जिसका सामान है ना वो सामने ही है।
मेहता साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप तो वैसे तो बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हाँ? हर सोसाइटी की यही कहानी है। अभी ये कहानी तो आपकी लिखी हुई निकली, लेखक महोदय। जेठा भाई, मेहता साहब का बोल के कुछ फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि सामान आपका है। कुछ दिन पहले आपके घर में रिपेयरिंग का काम चालू था, तब से सामान यही पड़ा है। देखो, नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला भाई, जिसका सामान हो उसको बोल दो। तभी तूने मुझे बोल दिया, अभी मैं भी तुझे बोल देता हूँ, आज के आज यह जल्दी से जल्दी यह सामान को इधर से हटवा दे, जो भी खर्चा होगा वो मुझसे ले लेना, ठीक है? बराबर, इट्स ओके। सोनू को ढूंढे अभी? हाँ, सोनू 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 सोनू, पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई है। भीड़ बैठ, वो वीड़ा मौसी पता है, हम अहमदाबाद गए थे, फिर वो ढोकला की दुकान में गए थे, तब हमें मिले थे, याद आया? अरे हम उनके घर पर गए थे और पानी के लिए आपने कहा था कि माला पाइजे, तो वो फूलों की माला लेकर आए थे, याद आया? अरे हाँ दया बिन, अच्छी तरीके से याद है, पर इधर वीड़ा मौसी का क्या? हाँ तो वीणा मौसी की भतीजी सोनू जितनी ही थी, और पिछले महीने इसी तरह घर से गायब हो गई। हो करे? फिर मिली वो? हाँ, एक घंटे के बाद मिल गई, क्योंकि वो घर से गायब नहीं हुई थी, वो घर में ही थी। लेकिन दया भाभी, सोनू घर में नहीं है। दया भाभी, आप कैसे वक्त पे क्या बात कर रहे हो? भाभी, मैं तो भीड़ बहन का टेंशन दूर करने की कोशिश कर रही थी। माधवी भाभी, आप इतना टेंशन मत करो, देखो सोनू कहीं नहीं गई है, वो समझदार बच्ची, वो मिल जाएगी। हाँ, प्लीज टेंशन मत लो। लेकिन अंजलि भाभी, जब तक वो नहीं मिलती है तब तक तो टेंशन रहेगी ना। माधवी भाभी, डोंट वरी, ये लोग गए हैं ना उसे ढूंढने, मुझे पूरा विश्वास है वो लोग उसे ढूंढ कर लेकर ही आएंगे। तो सोनू ही नहीं है। आ गए ये लोग तो। आओ, काय झालं? माधवी, सोनू का कहीं पता नहीं चला, हमने सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिली। मेरी देवा, पता नहीं कहाँ गई होगी। यार, ये तो बहुत चिंता की बात है भिड़े, मन तो नहीं मान रहा, लेकिन भिड़े पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए हमें। हाँ, कर, पुलिस को फोन कर। हाँ भिड़े, अभी क्या बहुत टाइम हो गया अभी। मेहता साहब, आप ठीक कह रहे, उनको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे सोनू को डांटना ही नहीं चाहिए था। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि सोनू मेरी वजह से घर छोड़ के चली गई। बिड़े परा, हिम्मत रख यार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे सोनू पर पूरा विश्वास है, वो ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती है, वो इतनी कमजोर नहीं है। माधवी भाभी, हम सब आपकी बात समझते हैं, पर क्या है ना कि अभी बहुत टाइम हो गया, तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए।
हाँ भैया, कर पुलिस को फोन कर भाई। कर पुलिस को फोन कर। हाँ हाँ सही कह रही है, लेनी चाहिए पुलिस की मदद ना अभी। आप लोग मेरे पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैं सोनू, लो। तो बेटा बता कर जाना चाहिए था। आई सॉरी, मैं बताना भूल गई। बेटा गाइड लेने में इतना समय? वो मैं रीमा के घर गाइड लेने गई तो उसने कहा कि हम साथ में बैठ के रिवीजन करते हैं, इसलिए मैं पढ़ाई करने बैठ गई। और फिर पढ़ाई में टाइम कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। सॉरी। तो कम से कम फोन तो कर लेती। हाँ। मैंने फोन किया था लेकिन रिंग ही बज रही थी, कोई फोन उठा ही नहीं रहा था। और मैंने आपके मोबाइल पे भी फोन किया था लेकिन आप मोबाइल ही नहीं उठा रहे थे। अरे हाँ, इस चक्कर में अपना मोबाइल में घर पे ही भूल गया हूँ। और हम लोग इधर परेशान हो गए थे सोनू, हमको लगा कि तुम अपने पापा के डांट की वजह से घर छोड़कर चली गई। हाँ सोनू, तुम्हारे मम्मी पापा कितने टेंशन में आ गए थे। जीवा दर्द थई गयो तो। नहीं अंकल, ऐसा नहीं है। हाँ पहले मुझे बाबा की बात का बुरा लगा था लेकिन इस बारे में आई से मैंने बात भी की थी। आई आई, बाबा इस बार मेरी पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? मैं जब भी कोई डिफिकल्टी लेके जाती हूँ तो उनके पास टाइम ही नहीं होता। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे पहले से उनकी ट्यूशन ज्यादा बढ़ गई है ना, इसलिए। तुम तो देखती हो कितनी भागम दौड़ करनी पड़ती है उनको, घर में ट्यूशन, बाहर की ट्यूशन। इसलिए तुझे बाबा की बात का बुरा ना मानकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। हो आई, इस बार मैं खूब मन लगा कर पढ़ूंगी और देखना मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगी। That's like a good girl. अच्छा, इसलिए माधवी भाभी आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रही थी हमें कि सोनू वापस आएगी, वो कहीं नहीं जाएगी। ओ पिडू यार, तेरे से समझदार तो अपनी माधवी भाभी है। अरे भाई छोटी, ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। हाँ सही बात है। अरे नहीं, वैसे एक बात है सोनू भाई, परिस्थितियाँ तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं थी। बाबा ने डांटा, टेंशन था, प्रोग्रेस रिपोर्ट खराब आई, लेकिन ये तुमने बता दिया कि इसे पार्ट ऑफ लिविंग है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग। तू समझी है क्या मेहता साहब बोले? नहीं। तो ताली क्या बजा रही है? अरे मेहता साहब बोले है तो अच्छा ही होगा ना। दया भाभी। वैसे मजाक की बात नहीं है, लेकिन भिड़े तुम्हें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सोनू जैसी समझदार बेटी मिली है, जिसका पढ़ाई में ध्यान है, रिवीजन कर रही थी आज भी वो ना। आजकल के बच्चे, तुम तो शिक्षक हो, इतने सारे बच्चों से मिलते हो, पढ़ाई से ज्यादा उनके लिए टेलीविजन और खेलना इम्पोर्टेंट है। बराबर। लेकिन मेहता अंकल, हम पूरा दिन पढ़ाई नहीं कर सकते ना, थोड़ा टीवी देखते हैं, थोड़ा खेलते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। अरे अगर हम लोग तुम्हें रोकेंगे नहीं ना तो तुम लोग मम्मी प्लीज थोड़ी देर, प्लीज थोड़ी देर, ऐसा करते करते पूरा दिन टीवी देखोगे। हाँ बरोबर है। सही बताया तो? मम्मी ऐसा नहीं है। अरे हाँ, मैं भी जब गोगी को पढ़ाने बैठती हूँ ना, उसी वक्त इसको भूख लगती है और इसी वक्त इसको प्यास भी लगती है और तभी उसको सुसू भी लग जाती है। ये बच्चों को सारे नखरे पढ़ाई करते वक्त ही याद आते हैं। पापा ऐसी बात नहीं है। एक मिनट,
आप लोगों की बातों से तो लगता है कि बच्चों को खेलना कूदना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। बात ठीक है, लेकिन आप लोगों को भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। पढ़ाई पर ध्यान जरूर दीजिए, पर बच्चों को सिर्फ मार्क्स लाने की होड़ में खड़ा मत कर दीजिए। ये बच्चे किसी रेस के घोड़े नहीं है कि जिसे सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप दौड़ाने लगते हैं। मैं तो मानती हूँ कि बच्चों पे प्रेशर डालने से ज्यादा, उन्हें जबरदस्ती पढ़ाने से ज्यादा, उनके आजू बाजू ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़े, वो लोग खुद खुशी खुशी पढ़ना चाहे। और ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। और बच्चों, आप लोग भी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपके मम्मी पापा आपको कुछ कहते हैं या कोई काम करने से रोकते हैं ना, तो आप समझते हो कि वो लोग आपको टोकते हैं, पर ये रोक टोक आपकी अच्छाई के लिए है। क्योंकि हर बच्चे के मम्मी पापा चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा इंसान बने और बहुत अच्छा इंसान बने। माना, खेलना कूदना बहुत जरूरी है, पर अच्छी जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई करना। वाह वाह अंजलि भाभी, वाह, बहुत अच्छा बोले आप। टप्पू, अंजलि आंटी ने जो कहा वो समझा कि नहीं? टप्पू हाँ बोल दे, नहीं तो वापस समझाएंगे। हाँ समझ गए, और हम वादा करते हैं हम खूब मन लगा कर पढ़ाई करेंगे, और हमारे मम्मी डैडी और देश दोनों का नाम रोशन करेंगे। क्यों फ्रेंड? हाँ हाँ।